Hello everyone, my name is Arush Tavi and I study in class 6th. Today's topic is future tense. First tense is future perfect tense. इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि. Example, वह जा चुके होगा, तुम पढ़ चुके होगी, होगे. Structure S plus shall, will plus have plus verb third form plus object. Translate, वह जा चुके होगा, he will have gone, तुम पढ़ चुके होगे, you will have read. I be के साथ हमें shall लगाना है, he should it name के साथ हमें will लगाना है. Second tense is future perfect continuous tense. इसकी पहचान है 2 घंटों से, 5 दिनों से, 2012 से पढ़ रहा होगा या लिख रहा होगा आदि. एग्जाम्पल, वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा. सब्जेक्ट प्लस शॉर्ट, विल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. ट्रांसलेट, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा. यू ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम सुबह से खेल रहे होगे. यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. रूल, वी यूज फॉर विद पीरियड ऑफ टाइम सच एज फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज एक्सेप्ट. वी यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम सच एज सिंस मॉर्निंग सिंस 2010 एक्सेट्रा. थैंक यू. Hello everyone, my name is Vidya Lo. I read in class 6. Hello everyone, my name is Vidya Lo. I read in class 6. Today topic is future tense. First is future perfect tense. इसके पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे आदि. Example, वह जा चुका होगा, तुम पढ़ चुके होंगे. Structure, subject plus, said will plus, have plus, verb की third form plus object. वह जा चुका होगा, he will have gone, तुम पढ़ चुके होगे, you will have read. I will के साथ हम shall लगाते हैं और he see एक name के साथ हम will लगाते हैं. Second is future perfect continuous tense. पहचान है 2 घंटे से, 5 दिनों से, 2012 से पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा आदि. Example, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तुम सुबह से खेल रहे होंगे. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सॉल्व विल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस फॉर या सीन प्लस टाइम. फर्स्ट इज, वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा. ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम सुबह से खेल रहे होंगे. यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. रूल इज, we use for with period of time such as for 2 hours, for 5 days, for 10 days, etc. We use since with point of the time such as since morning, since 2010, etc. Thank you.